हे फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। फिर से मैं एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ। मैकडरमॉट के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। मैकडरमॉट इंटरनेशनल लिमिटेड इज़ द ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस टू द एनर्जी इंडस्ट्री, जहाँ पे तुम्हारा 54 कंट्रीज़ में इन लोगों का काम होता है, ऑपरेटिंग इन द ओवर 54 कंट्रीज़। और यहाँ पे तुम्हारा जो मैकडरमॉट के तरफ से जो एम्प्लॉय है, 40,000 एम्प्लॉय इन लोग काम करता है। मैकडरमॉट हैज़ द मोर देन 40,000 एम्प्लॉय, ओके। और यहाँ पे ज़्यादातर अब तुम्हारा ऑयल का काम होता है, ठीक है। मतलब एनर्जी, बेसिकली इन लोगों का इंडस्ट्री जो है एनर्जी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस। तो जहाँ पे तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे वो भी तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू, ओके। तो यहाँ पे नो एग्ज़ाम भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ओनली फॉर वॉकिंग इंटरव्यू तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन लोगों का ये बेसिकली ये तुम्हारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इन लोगों का वेबसाइट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जाके विजिट कर सकते हो। बेसिकली क्या काम होता है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोला है व्हाट वी डू करके, यहाँ पे बोला है जैसा तुम्हारा टेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन सर्विस, देन तुम्हारा ऑनशोर कंस्ट्रक्शंस मेरीन कंस्ट्रक्शंस ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके बारे में मैं तुम लोगों को लिए दिखा दूँगी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। मैं इसको इसका जो लिंक एंड आईडी है वहाँ पे जाके ढूंढ ढूंढ के देखती हूँ कहाँ जॉब का रिक्वायरमेंट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इन लोगों का जो लिंक एंड आईडी है वहाँ पे जाके सर्च की, उसके बाद यहाँ पे देखी हूँ जॉब का रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा 3 सितंबर इन लोगों का वॉक इन ड्राइव होगा। तो यहाँ पे क्लिक करते क्या डिटेल्स देख लेते हैं उसके साथ। यहाँ पे बोला है क्या 3 सितंबर दैट्स मीन सैटरडे, ठीक है। 3 सितंबर सैटरडे होगा। टाइमिंग मेंशन किया 9:30 to 3:30 PM। और यहाँ पे ऑफिस एड्रेस भी दिया है, गुड़गांव में तुम्हारा होगा तुम्हारा इंटरव्यू। और यहाँ पे तुम्हारा जैसा क्या क्या वैकेंसीज है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइनर, जहाँ पे तुम्हारे 3 to 15 years एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइनर का और एक है, जहाँ पे 3 to 15 years एक्सपीरियंस, बट थोड़ा सा ये जो एक्सपीरियंस है ये थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। उसके साथ तुम्हारे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर, जहाँ पे तुम्हारे 3 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है, ओके। तो उसके बाद और भी देख लेते क्या क्या है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हो पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग मतलब पाइपिंग लेआउट एंड डिज़ाइन इंजीनियर, देन तुम्हारा पाइपिंग मटेरियल इंजीनियर, जहाँ पे तुम्हारा 3 to 15 years एक्सपीरियंस मांगा है। मतलब मिनिमम तुम्हारा 3 years और मैक्सिमम तुम्हारा 15 years, ठीक है। मिनिमम तुम्हारा 3 years और मैक्सिमम तुम्हारा 15। तो उसके बाद तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 3 to 15 years एक्सपीरियंस, जहाँ पे तुम्हारा जो यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल में क्या क्या इन लोग एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सिविल, सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, ओके, सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, उसमें तुम्हारा 3 to 15 years मांगा है, ठीक है। सारे में तुम्हारा ज़्यादातर 3 to 15 years मांगा है, ये देख सकते हो। बट ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जो है यहाँ पे तुम्हारा 5 to 15 years, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर में तुम्हारा 5 to minimum 5 और मैक्सिमम 15 years मांगा है। तो वो जो है तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो, वो भी डिटेल्स यहाँ पे बोला है, जैसा तुम्हारा 5 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग एंड मॉडलिंग ऑफ स्टील एंड RCC स्ट्रक्चर्स, और तुम्हारा 3D डिज़ाइन एक्सपीरियंस विद मेजर ऑयल एंड गैस कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट, ओके। तो उसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन शेयर योर CV एट दिस मेल ID। यहाँ पे देख सकते हो ये मेल आईडी भी भेजा है, इस मेल आईडी में तुमको सीवी भेजना पड़ेगा, ओके। तो ये तुम्हारा डिटेल्स मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पहला बात है कैसे तुम जाओ कि अप्लाई करोगे, क्या है, कन्फ्यूज़न आ सकते हैं। तो पहला मैं कन्फ्यूज़न जो है उसको क्लियर कर देती हूँ। पहला बात है तुम सीवी भेज दो, ठीक है। फर्स्ट यू सेंड दिस मेल आईडी में तुम सीवी भेजो, ओके। आफ्टर दैट सीवी भेजने के बाद ये जो एड्रेस दिया है ऑफिस एड्रेस,
दिस एड्रेस में जाके 9:32 ये जो मेंशन किया 9:30 AM टू 3:30 PM ओके सैटरडे सैटरडे 3rd September टुडे इज थर्सडे ओके तो सैटरडे तुम्हारा इंटरव्यू होगा ओके सैटरडे तुम्हारा इंटरव्यू होगा 3rd September 9:30 to 3:30 PM ये जो एड्रेस है इसी एड्रेस में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स जैसा तुम्हारा यहाँ पे मेंशन नहीं किया तभी भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे जगह में इंटरव्यू दे चुकी हूँ इसीलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जैसा तुम्हारा क्वालिफिकेशंस देन तुम्हारा आधार पैन कार्ड जो भी है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और उसके साथ तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट आईडी प्रूफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप देन पे स्लिप जो भी है वो सब एक अटेस्टेड करके एक फ़ोटो कॉपी करके और उसके साथ तुम्हारा ओरिजिनल सारे चीज़ लेके तुम जाके इंटरव्यू में अटेंड कर सकते हो ठीक है। और यहाँ पे और भी थोड़ा सा देख लेते हैं ओके और भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कि नहीं ओके। तो ये तुम्हारा पहला था ठीक है। सेकंड में यहाँ पे देख सकते हो सेकंड ये पहला ये जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड में तुम्हारा बोला है पाइपिंग इंजीनियर यहाँ पे जाके क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे जाके क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी देख सकते हो सेम बोला है 3rd September होगा और यहाँ पे भी एड्रेस दिया है दिस एड्रेस ओके। तो उसके बाद यहाँ पे जैसा बोला है इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइनर ओके देन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर तो सारे के लिए तुम्हारा एक्सपीरियंस मांगा है जैसा मिनिमम 3 years और मैक्सिमम 15 years एक्सपीरियंस। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए भी सेम बोला है जैसा 3 to 15 years एक्सपीरियंस बट स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के लिए तुम्हारा 5 to 15 years एक्सपीरियंस मांगा है ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है यहाँ पे CV भेजने के लिए बोला है दिस मेल आईडी में ओके। नेक्स्ट तुम्हारा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट तुम्हारा बोला है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर ठीक है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर पाइपिंग डिज़ाइनर मैकेनिकल डिज़ाइनर ये तुम्हारा 1 month एगो तो ये नहीं देखेंगे। 1 week एगो में तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बोले थे वो भी देख लेते बट ये तुम्हारा जो बोले है जैसा तुम्हारा लोकेशन है चेन्नई ठीक है जैसा लोकेशन है चेन्नई बट यहाँ पे जो बोला है ना यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं बोले तो हम लोग वो वाला नहीं देखेंगे। 3 days ago में ये वैकेंसी निकल के आया है ठीक है जहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू हो रहा है तो जहाँ पे तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू है वो वाला ही देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हो पाइपिंग डिज़ाइनर के लिए भी है जहाँ पे तुम्हारा ये जो एड्रेस बोला है सेम थिंग्स बोला है तो ऐसा ही बोला है देखो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर स्ट्रक्चरल इंजीनियर देन प्रोसेस डिजाइनर्स ठीक है सारे चीज़ यहाँ पे बोले। मैं क्या करूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी ठीक है तो तुम लोग जाके पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो 83 ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। 3 days ago में वैकेंसी आया था 83 ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो और जाके इंटरव्यू दे दो ठीक है। इंटरव्यू कैसा हुआ है वो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो ठीक है। मेरा कमेंट बॉक्स में भी बताना ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है और ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताना क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के थोड़ा सा टाइम लेके मतलब जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ ठीक है। जहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू हो रहा है जहाँ पे इंटर्नशिप हो रहा है जहाँ पे ऑनलाइन इंटर्नशिप हो रहा है स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी लेके आती हूँ। जिन लोग स्टूडेंट हैं उन लोग बोलते हैं क्या मतलब कहाँ इंटर्नशिप करूँ क्या अपॉर्चुनिटी है वो भी लेके आती हूँ तो इसीलिए थोड़ा मोटिव मिलेगा। तो इसीलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना लाइक करना कमेंट करना दोस्तों को भी शेयर कर देना क्योंकि हमेशा मैं जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ। टेक्निकल जॉब का अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट जिन लोग वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। बाय।